दोस्तों गूगल ने अपने एंड्रॉयड पी को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उसका अभी तक नाम सामने नहीं आया, क्या वो फाइनल होगा या फिर कुछ और, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर वो क्या हो सकता है। लेकिन उसके अंदर आपको नोट से लेकर प्राइवेसी रिजेक्शन तक कमाल कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि गूगल ने अभी इसको रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जो पार्टनर्स, जो स्मार्टफोन पार्टनर हैं, उनके सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उन सभी मॉडल्स के जो लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप जरूर से उन मॉडल्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो अभी बीटा वर्जन में है एंड्रॉयड पी, वहाँ पर आपको बहुत सारे बग देखने को मिलेंगे। प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल ना ही कीजिए अपने प्राइमरी स्मार्टफोन के अंदर, तो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। लेकिन उसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, बीटा वर्जन में है एंड्रॉयड का पी, वहाँ पर आपको ऑफिशियली तो अभी रिवील नहीं किया गया, आपको ब्राउज़र में जा कर के जो एंड्रॉयड के पी को सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको उसकी फाइल मिल जाएगी। आपको वहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि 1.1 GB का होगा। वहाँ पर आपको पुश करना पड़ेगा नोटिफिकेशन और आपके जो बिल्कुल ही आपका जो ऑफिशियल जहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट होता है वहाँ पर अपने आप आ जाएगा पूरा का पूरा अपडेट, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको जा कर के। लेकिन वो अभी कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में है, और रही बात उसके कौन कौन से मॉडल के ऊपर आने वाला है एंड्रॉयड पी, तो यहाँ पर मैं बता दूंगा 636 जो कि बिल्कुल रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर आया था, आसूस के जेन फोन माइक्स प्रो M1 के अंदर भी 636 दिया गया है, और जो 660 है और 660 से ऊपर के 845 वाले चिपसेट है वहाँ पर आपको एंड्रॉयड पी देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। यहाँ पर आपको सिंपल इंपॉर्टेंट बात बता दूँगा, आपको नोकिया 7 प्लस के अंदर भी एंड्रॉयड पी अभी बीटा टेस्टिंग में है, बीटा जो वर्जन है एंड्रॉयड पी का उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एंड्रॉयड पी के बारे में कुछ इसकी बातें। दोस्तों माना जा रहा है कि एंड्रॉयड पी अब तक का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होगा, और यहाँ पर आपको जेस्चर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपने अभी तक आईफोन एक्स के अंदर देखा था, वहाँ पर आपको जेस्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि जैसे ही आप डिवाइस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन है इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको होम बटन नहीं मिलेगा एंड्रॉयड पी के अंदर, और वहाँ पर आपको ऐसे ही होम जहाँ पर स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जेस्चर स्वाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जेस्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। आप वहाँ से आपको बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह ही आपकी जो फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा अपडेट है, गूगल अपने ऐसे अपडेट को काम कर रहा है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएँ, और ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वहाँ पर आपको नीचे एक स्क्रॉल बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप रैम को जैसे को ऊपर करते हैं तो वहाँ पर आप रैम क्लियर करने के ऑप्शन के अंदर वहाँ पर आपको स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा, ऐसे आपको स्क्रॉल मिलेगा। यहाँ से आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ताकि आप उसकी सारी एप्लीकेशन को देख पाए बिल्कुल फास्टली तरीके से, और 1x1 करके भी। बहुत ही अच्छा अपडेट है, आप देखिएगा ज़रूर। आप यदि सेकेंडरी जो फ़ोन है आपका नोकिया 7 प्लस उसके अंदर, या फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके सभी स्मार्टफोन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा है वो अडेप्टिव बैटरी है और अडेप्टिव ब्राइटनेस है। अडेप्टिव बैटरी के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे बैटरी के ऊपर काम किया है एंड्रॉयड पी के अंदर गूगल ने, जहाँ पर आपकी जो बैटरी है जो बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन रन होती हैं उनको सभी को किल कर देगा, आपकी बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेगा ताकि आप उसको अच्छी जगह पर यूज़ कर पाएँ, और जो जिस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते उस एप्लीकेशन का भी काम खत्म कर देगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में माइक और कैमरे को यूज़ करती है, माइक और कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती है, उनको भी बंद कर देगा। और यहाँ पर आपको लोकेशंस वगैरह होंगी जो भी जितनी आपको मतलब अनयूजुअल जितनी भी एप्लीकेशन है उन सभी को किल कर देगा एंड्रॉयड पी के अंदर। ये ऐसा अपडेट आ गया है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। आपकी बैटरी अब स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी। अगर मैं बात करूँ अडेप्टिव ब्राइटनेस की, तो अडेप्टिव ब्राइटनेस के अंदर ऐसा फीचर है, जैसे कि मान लीजिए यदि आप बाहर जाते हैं और बाहर में आपने पहले से एडजस्ट कर रखा है कि मैं इतनी ब्राइटनेस सनलाइट के अंदर जाता हूँ, इतनी ब्राइटनेस के अंदर जाता हूँ, जैसे अभी आप एक या दो बार इसको यूज़ कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अडेप्टिव ब्राइटनेस को आप ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब भी जैसी भी कंडीशन में जाओगे, सनलाइट के अंदर जाओगे या फिर अंधेरे में जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइट्स को एडजस्ट कर देंगे और बहुत ही अच्छा काम करके देंगे आपके लिए। ये बिल्कुल ही AI पर पावर्ड रहेंगे, और गूगल ने अपने एंड्रॉयड पी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है AI के ऊपर, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि ऑटोमेटिकली रन करेंगे। अब जैसे आप छोटा मोटा काम करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना काम कर देंगे। और यहाँ पर गो एंड्रॉयड पी के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट का भी बहुत ज़्यादा
काम किया गया है। यहाँ पर आपको 6 लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन अभी तक जल्द ही नहीं आया, मतलब 2018 के लास्ट तक आपको 6 की 6 लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे काम देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आप अब इंसानों के जैसे ही गूगल असिस्टेंट से बात कर पाएंगे, बहुत सारे काम कर पाएंगे। मतलब कि पहले आपको हर बार बोलना पड़ता था हे गूगल व्हाट्स माय नेम, मतलब वगैरह वगैरह हे गूगल करके आपको क्वेश्चन वगैरह पूछने पड़ते थे पहले, लेकिन अब से आपको क्या करना पड़ेगा, अब से हे गूगल सिर्फ एक बार बोलना है, बाद में आप अपने गूगल से लगातार इंसानों की तरह ही बात कर पाएंगे और सभी जवाबों के आंसर ले पाएंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट है ये भी, और बहुत अच्छी अच्छी बात है, 6 नई लैंग्वेजेस को सपोर्ट दिया गया है गूगल असिस्टेंट के अंदर। देख लेते हैं कि कब तक आता है ये, और यहाँ पर आपको टाइम लिमिट भी दी गई है एप्लीकेशन यूज़ करने की। मतलब कि एंड्रॉयड पी के अंदर एक ऐसा अपडेट आने वाला है, एक ऐसा फीचर जोड़ा गया है जहाँ पर यदि आप किसी भी एप्लीकेशन को जितना यूज़ करते हो, जितना आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, तो जैसे कि मान लीजिए आपने स्मार्टफोन को 6 घंटे यूज़ करते हो आज, और अगले दिन जो स्मार्टफोन 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गूगल मतलब ये एंड्रॉयड पी है ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आप अपना स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो पिछले मुकाबले, मतलब पिछली बार जितना आपने यूज़ किया था उससे कहीं ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड जो आपका स्मार्टफोन है, तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, आपके हाथ में रहेगा आप उसको कम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वहाँ पर ये चीज़ और दिखा गया किस एप्लीकेशन को आपने कितनी देर तक यूज़ किया है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन को अब से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। गूगल एंड्रॉयड पी के अंदर ऐसा अपडेट, ऐसा अच्छा फीचर्स दिया है जहाँ पर आप पता कर सकेंगे कि आपने किस एप्लीकेशन को कितना यूज़ किया है, और जब भी ज़्यादा एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम यूज़ करोगे उसको यहाँ पर डाटा सेट कर सकते हो, लिमिट सेट करते हो कि मेरे को सिर्फ ये वाली एप्लीकेशन 15 मिनट या 20 मिनट एक दिन के अंदर या फिर 1 घंटे के लिए यूज़ करनी है, और उसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं तो। और यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हालांकि जो कुछ सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट्स है वहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और अपडेट है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन को ऐसे स्क्रीन के साइड रखते हैं तो आपका स्मार्टफोन अपने आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चलाया जाएगा, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उस टाइम पर। यदि आप इसका अपडेट लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड पी के ऊपर जा सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया था आपको कौन कौन से डिवाइसेज के लिए सपोर्टेबल होगा, तो आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट कैमराज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कैमरा के अंदर AI का काम किया गया है गूगल पी के अंदर, जहाँ पर आप यदि आप रेस्टोरेंट के बाहर या फिर कहीं पर स्ट्रीट में यदि गूगल मैप को यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर लाइव देख सकते हैं। मतलब कि पहले आपको क्या करना पड़ता, नेविगेशन बार में सिर्फ आपको वे शो करता था कि आप इस वे पर जा सकते हैं, इस वे पर जा सकते हैं। अब आपको कैमरे के थ्रू लाइव वे शो करेगा, मतलब कि यदि आप किसी भी जो वे को सर्च करते हैं, किसी भी रास्ते को सर्च करते हैं गूगल मैप के अंदर, तो अब आपसे सिर्फ कैमरे के अंदर ये दिखाया गया इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर जाना है। आपको कहीं पर मतलब क्या बोलते हैं इसको, फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस मैप का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर एक और है AI की मदद से, यदि आप मतलब कि किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर या फिर किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी ऐसी लाइन देखते हैं और आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो आप AI की मदद से, कैमरे की AI की मदद से आप उसको उसके ऊपर फोकस दे दीजिए, और वहाँ पर आपको वहाँ पर पूरा का पूरा टेक्स्ट आपके स्मार्टफोन में आ जाएगा, आप उसको कॉपी करके किसी के पास भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट है गूगल के एंड्रॉयड पी के अंदर, और भी बहुत सारे अपडेट हैं। जैसे ही किसी डिवाइस के अंदर ये आता है बीटा टेस्टिंग के अलावा, जैसे कि पूरा फिक्स हो जाता है, तब मैं आपको उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा। और मैंने पहले बता दिया आपको, आप प्लीज़ बीटा जो वर्जन है यदि आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, एंड्रॉयड पी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप जाकर के अपने सेकेंडरी स्मार्टफोन में ही एंड्रॉयड पी को इंस्टॉल करें। अदरवाइज़ यदि आप फर्स्ट जो जब आपका प्राइमरी स्मार्टफोन हो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड पी को, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बग देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे नुकसान हो सकता है आपकी फाइल्स को, और आपको मतलब स्मार्टफोन हैंग हो सकता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है स्मार्टफोन के अंदर। तो आप यदि ये सेकेंडरी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन आप उसको दोबारा से 8.0 में भी ला सकते हैं, 8.0 में। तो लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपका स्मार्टफोन का सारा डाटा डिलीट हो जाए, ये आपको सोचना है। आप अपने प्राइमरी फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं बीटा टेस्टर को, या फिर अपने सेकेंडरी स्मार्टफोन के अंदर, ये जरूर से देख लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हर रोज़ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।